अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हम सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। पांच बेटियों के बाप बेटियों से बेहद प्यार करने वाले शाहिद अफरीदी ने अचानक दूसरी शादी कर ली। जी हाँ, आपको बताते चले कि कल से शाहिद अफरीदी की सना बुचा के साथ चंद ऐसी तस्वीर वायरल हो रही हैं जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों ने अचानक खुफिया निकाह कर लिया है। बताते चले कि शाहिद अफरीदी जो कि अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते हैं और कभी बेटे की उम्मीद ना रखने वाले शाहिद अफरीदी जो कि अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बेटियों से मोहब्बत का एतराफ़ भी करते हैं और सबको यही दर्द देते हैं कि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, उनको कभी भी बुरा नहीं समझना चाहिए। शाहिद अफरीदी का यही कहना है कि वो अपनी बेटियों के साथ बहुत खुशोखुरम ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगर खुदा ने उनके नसीब में बेटा लिखा होगा तो उनकी इसी बीवी से होगा वरना नहीं होगा। लेकिन बताते चले कि अचानक शाहिद अफरीदी की सना बुचा के साथ चंद ऐसी तस्वीर वायरल हो रही हैं जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। बताते चले कि सना बुचा का इस बारे में कहना है कि बहन भाई के तकद्दस को पामाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ ऐसी घटिया मुहिम पहले भी कई बार की जा चुकी हैं। बताते चले कि ये तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है शाहिद अफरीदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से 2017 में ट्वीट की गई थी, जिसके बारे में शाहिद अफरीदी का कहना था कि बहुत शुक्रिया सना बुचा इतनी भरपूर सहरी के लिए। बताते चले कि ये तस्वीर 2017 की है जिसको एक बार फिर से शाहिद अफरीदी और सना बुचा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल की गई है। शाहिद अफरीदी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शाहिद अफरीदी जो कि कभी किसी औरत के करीब नहीं आते, यहाँ तक कि किसी औरत से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, अचानक सना बुचा के साथ इतनी क्लोज तस्वीर बनवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो बताते चले कि शाहिद अफरीदी और सना बुचा जो कि एक दूसरे को बहन भाई के रिश्ते का दर्जा देते हैं, बहन भाई मानते हैं, उनकी ये तस्वीर पुरानी है जो कि अचानक से उनके खिलाफ फिर से प्रोपेगेंडा शुरू करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आपको शाहिद अफरीदी की ये तस्वीर कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए थे, तो उस दिन अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में कोई बेटी पैदा नहीं की थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन के आए थे। तो उस दिन इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बेटियां जब पैदा होती थी तो जिंदा दफना दिया जाता था उनको, तो उस दिन पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने कोई बेटी पैदा नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं बड़ा किस्मत वाला आदमी हूँ कि मेरी पांच बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अपनी बेटियों को इतना तगड़ा करें, इतना टैलेंटेड बनाएं कि आपको बेटे की कभी कभी महसूस नहीं हो। मैं पठान हूँ, हमारे पठानों में बहुत ज्यादा होता है बेटों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने सही सलामत सेहत के साथ मुझे अब मेरी औलाद दी है, इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है मेरे लिए। क्या बात है, क्या खूबसूरत पैगाम है।